सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति से जेल में वीडियो कॉलिंग कैसे बात करें, वो भी फ्री, बिल्कुल आसान तरीका। सिर्फ आपको फॉर्म भरना होगा और आपके पास मैसेज आएगा और आप उससे वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। एक भी मिस टॉपिक अगर मिस कर देंगे तो आपका फॉर्म पूरा नहीं होगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिंपली आपको किसी ब्राउज़र में जाना होगा या गूगल में जाइए और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा NPIP। सर्च करने के बाद सर्च कर देना है आपको। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक मिलेगी उस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आप चाहे डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो जैसा लैपटॉप में रहता वैसे आ जाएगा। हम सिंपली मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल इसको अनटिक कर देते हैं। आप मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं। सिर्फ जिसको बात करना है उसका नाम लिख दीजिए, विजिटर नेम, उसके पिता का नाम लिख दीजिए, उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद डेंजर चूज कर लिया आप मेल हैं कि फीमेल, उसके बाद अपनी एज चूज कर लीजिए जिसको बात करना हो, उसके बाद इसको चूज कर लीजिए कि आप भाई हैं बहन हैं जो भी हैं उसको चूज कर लीजिए, बेटा है कि आपका जो हो, उसके बाद इसमें प्रूफ चूज कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आईडी, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो हाँ 10 पे क्लिक करके आधार कार्ड आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए वो जो आपके पास खुद हो, यानी कि आपके मोबाइल में जो लॉगिन हो उसी पे मैसेज आएगा, उसी से आपकी बात होगी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक डाल देना है जो आपके मोबाइल में हो। उसके बाद स्टेट चूज करना है, जैसे आप अपने ही राज्य में बात करना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग तो वो सुविधा उपलब्ध नहीं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, झारखंड से बात करनी है तो हम वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में ही किसी जेल में व्यक्ति बंद है तो बात करना चाहेंगे तो मुश्किलें नहीं हो पाती है। उसके बाद ये विजिट नेम मतलब आज भरेंगे ही फार्म। उसके बाद इसको चूज कर लीजिए कि आप कितने लोग बात करना चाहते हैं, जैसे मैं 5 लोग 5 पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी व्यक्ति जेल में बंद है, जो भी बंद है उनका नाम लिख दीजिए, उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिख दीजिए, उसके बाद एज चूज कर लीजिए कितने साल के हैं वो जेल में बंद हैं उसको चूज कर लीजिए, उसके बाद जेंडर चूज कर लीजिए मेल फीमेल, उसके बाद यहाँ पर वीडियो का वो आ जाएगा। मैं उनको आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ जाकर झारखंड चूज कर लेता हूँ और इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया। इस तरह से आप इसको डाल के कैप्चा कलक मर के चाहिए, इसको ऐसे डालेंगे तभी आपका कैप्चा पूरा होगा वरना गलत बता देगा। इस तरह से सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको फिलअप कर दीजिए। उसको फिलअप करने के बाद आपको 2 या 3 दिन में एक मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे आपके, उसमें बताएगा यानी रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट बता देगा और सक्सेसफुल होगा तो बता देगा कि आपको इतनी तारीख को ऐसे बात होगी इस तरह से। उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वो वीडियो आने वाली है, उसको भी आप देख लीजिए। तो चलो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, नॉलेजबल वीडियो। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ उस वीडियो को चाहिए, तो हम उस पर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।